एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ अकिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल एंड दैट इज माय साड़ी कलेक्शन वीडियो। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also, let me know in the comments down below कि आप क्या देखना चाहते हो next और वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी साड़ी स्टोर है एंड एकदम बॉटम पे जो है यहाँ पे जो आपको बैग दिख रहा है उसमें मेरे ब्लाउज पीसेज है जिनका ब्लाउज मैंने अभी तक नहीं बनाया है और लास्ट में जो है पूरा बेडशीट्स है तो मैं वो सेक्शन आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। डील विद द टॉप 3 सेक्शंस जहाँ पे मेरी साड़ीज है। ह्यूज डिस्क्लेमर बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट मेरे पास कितनी साड़ीज है। किसी के लिए ये क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम, तो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। हाउएवर आप लोग देखना चाहते थे इसीलिए मैं आपके लिए कलेक्शन वीडियो लेके आई हूँ। ऑल्सो दी साड़ीज आर नॉट बॉट इन अ डे एंड मोस्ट ऑफ देम आर गिफ्टेड। ज्यादातर मेरी शादी की साड़ीज है, उससे पहले भी मैंने साड़ीज काफी खरीदी थी जब मुझे अच्छा लग रहा पहनने के लिए। कुछ मेरी मम्मी की साड़ियाँ हैं तो जल्दी से चलिए अपनी डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप का सेक्शन देखिए कि यहाँ पे ज्यादातर मैंने अपनी ये भी डिजाइनर साड़ीज, बनारसी साड़ीज, रफल साड़ीज जो है जो मैं ऑन एन एवरेज ज्यादा पहनती हूँ ओकेजन्स में वो रखे हुए हैं और मैंने इनको कलर कोऑर्डिनेट करके रखने की कोशिश की है। आई मीन सिमिलर कलर्स आर टुगेदर और एकदम एंड में जो है आपको दिख रहा है वो है ब्लैक में, दैट इज मेरे हस्बैंड का सूट। तो वो कहीं और हैंग करने के लिए हमारे घर में जगह नहीं है तो मैंने उसको एंड में हैंग कर दिया है। तो उसके बाद ब्लैक, रेड, पिंक, येलो, बेज, ग्रीन, पर्पल और लास्ट में एक व्हाइट रफल साड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑर्डर में रखा है। इसके नीचे जो आप देख रहे हो थोड़ा सा मेस है एंड दैट मेस इज बिकॉज मेरे जो सनग्लासेस हैं मैंने कहीं और रखे हुए थे बट वहाँ पे अब मेरी बेबी का हाथ पहुँचना शुरू हो गया है तो वो उन सबको निकाल के वो ऑलरेडी दो उसने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं सनग्लासेस मेरे, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे बंद करके रखना पड़ रहा है। बट जल्दी से चलिए अभी मैं आपको साड़ी साड़ियाँ तो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू ए लुक बुक और ट्राई ऑन ऑफ ऑल माई साड़ीज विद दी ज्वेलरी जो उसके लिए ज़्यादा मैच करेगी तो उसमें भी आपको और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा इन डिटेल। बट आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू ऑफ माई फेवरेट साड़ीज जो मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने काफ़ी बार पहनी भी है। तो ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ, दिस इज नेट मोनोनेट की हैवी डिजाइनर साड़ी है, आप देख सकते हो पूरा भर के इसमें काम है एंड ये मैंने ऑफलाइन खरीदा है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। बट इज वन ऑफ द साड़ीज जो मैं काफी ज्यादा जब मैं अपने कॉलेज ईयर्स में थी मैं पहनती थी, कहीं अगर मुझे बाहर किसी की वेडिंग में या एंगेजमेंट में जाना होगा तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, हैज अ लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू इट। तो This is the first साड़ी। Next जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ that is a plain black georgette साड़ी जिसके ऊपर इस तरह से border दिया हुआ है, मैंने इसका video बनाया है। I got this online from Flipkart और मैंने इसको office parties में काफी ज़्यादा पहना है and I've always got compliments because it's a very simple साड़ी but it looks extremely elegant and I think this was under 500 so thumbs up। Next जो है वो ये साड़ी रहेगी, दिस इज एन ओरिजिनल सिल्क साड़ी और ये मुझे मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, मुझे काफी पसंद है, मैंने इसको भी काफी बार पहना हुआ है, लुक्स ग्रेट, कलर भी जो है कुमकुम रेड है। ये साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ दिस इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट बिकॉज ये जो है मेरी शादी की बनारसी है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ट्रेडिशनली हम लोग प्योर रेड बनारसी पहनते हैं बट मुझे मरून कलर जो है ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था तो इसीलिए मैंने मरून खरीदा था। इसका वर्क भी जो है आप देख सकते हो काफी बढ़िया है एंड दिस वाज लाइक रियली एक्सपेंसिव, लाइक 14K इसका कॉस्ट था बट आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी बिकॉज मैं इसको अपनी शादी के बाद भी काफी बार पहना हुआ है, इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। साड़ी मेरे पास है वो इस तरह से डिजाइनर साड़ी है जो ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में है एंड आई गॉट दिस ऑनलाइन, मैं ये शायद फ्लिपकार्ट से लिया था, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी तो आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, वेरी गुड क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया सा है। नेक्स्ट जो साड़ी मेरे पास है वो इस तरह से एक प्योर सिल्क की साड़ी आ जाएगी जिसपे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का बॉर्डर है और ऊपर में ये पिंक है और इसमें अंडरटोन्स ऑफ रेड भी है। तो ये साड़ी जो है ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे लास्ट ईयर पूजा
गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है इसमें एंड आई जस्ट लव कि ये बहुत ही सिंपल है एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद सिंपल साड़ीज. नेक्स्ट वुड बी अनदर हेवी वेट नेट साड़ी जो पिंक कलर के नेट पे है, पूरा गोल्डन का वर्क दिया हुआ है इसमें और ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे खरीदा था. हम लोग का अष्टमंगला बोल के एक ओकेजन होता है तो उसके लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी. मुझे काफी पसंद ये साड़ी, लाइक बॉर्डर जो है इसका बहुत ही ज्यादा हैवी है बट दिस इज रियली गुड. आप अगर इसको अच्छी ज्वेलरी के साथ पहन रहे हो, स्पेसिफिकली अगर डायमंड सेट के साथ पहन रहे हो तो बहुत ही बढ़िया लगती है दिखने में. दिस विल बी द नेक्स्ट साड़ी. दिस नेक्स्ट वन इज अनदर बनारसी और ये डीप रिच पिंक कलर में आ जाएगी. ये मुझे रिसेप्शन में मैंने ये पहना था, ये मेरी इन लॉज ने मुझे गिफ्ट किया था रिसेप्शन में पहनने के लिए. अगेन लुक्स वेरी गुड. मैंने इसको अभी तो फिलहाल सिर्फ एक ही बार पहना है बट अगेन द कलर इज सो यूनिक, यू कैन डेफिनेटली रीयूज एंड वेयर इट फॉर डिफरेंट ओकेजंस. दिस नेक्स्ट साड़ी इज अनदर सिल्क साड़ी. ये भी मेरी वेडिंग की साड़ी है, मेरे इन लॉज की तरफ से ही गिफ्ट हुई थी. हम लोग का जो भात काकों का ओकेजन होता है बंगाली वेडिंग्स में तो उसके लिए मुझे ये साड़ी मिली थी पहनने के लिए. अगेन इट इज रियली गुड एंड इट इज ऑन द कॉस्टलियर एंड बट दिस इज रियली गुड एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है एंड कैन बी रीयूज्ड एंड रीवोर्न मल्टीपल टाइम्स. आप इसको आराम से किसी भी दूसरे ओकेजन के लिए अच्छे से टेम्पल जूते के साथ पेयर अप कर सकते हो, काफी खूबसूरत लगेगी. मेरे पास यहाँ पे एक और सिल्क साड़ी है एंड दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई सिस्टर आई थिंक लास्ट टू लास्ट टू कपल क्लास में उसने मुझे गिफ्ट किया था. ये जो है ये आपका येल्लो और पिंक की कॉम्बिनेशन में है, आप देख सकते हो. इसका बॉर्डर जो है थिक बॉर्डर है, महापार है इसमें और इसका पल्लू जो है पूरा पिंक कलर में आ जाएगा. अगेन ये साड़ी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. मैंने इसको गोल्ड ज्वेलरी के साथ पहना था. मेरी बेबी की जो राइस नीटिंग सेरेमनी है उसमें बहुत ही सुंदर इसका कलर है और काफी अच्छा भी लगता है वंस यू वेयर इट. नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ दिस इज अ ग्रीन साड़ी विद कॉपर वर्क इन इट एंड दिस इज अ जॉर्जेट डिजाइनर साड़ी और ये मैंने ओला इंडिया से ली थी. मैं इस साड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी. ऑनलाइन साड़ी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगी. तो आई हैव ऑलवेज गॉटन कॉम्प्लीमेंट्स व्हेनेवर आई वोर दिस साड़ी. काफी यूनिक है और इस टाइप का कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है, कॉपर का वर्क है, आपको ज्यादा नहीं मिलता है साड़ीज में. यूजुअली इट्स मोर गोल्डन या फिर सिल्वर. I do love this sari, it's a unique sari and I've worn this multiple times. This would be another heavyweight georgette designer sari. ये भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे खरीदा था. तो आप देख सकते हो इसका एक thick border है, यहाँ पे पूरा स्टोन वर्क और जरी वर्क का और मुझे वॉटर ग्रीन कलर काफी ज्यादा पसंद है. तो दिस वुड बी द अदर वन. इसका पल्लू जो है पूरा गोल्डन में है, गोल्डन बॉर्डर से देख सकते हो. काफी हैवीवेट वर्क इसमें दिया हुआ है. स्टोन वर्क भी जो काफी अच्छा है. अगेन दिस इज अ रियली हैवी साड़ी तो आपको अच्छे से काफी जगहों पे इसको क्लिप करके पिन करना पड़ेगा वरना चांसेस आर ये साड़ी खुल जाएगी. नेक्स्ट मैं आपको एक मेहंदी कलर का साड़ी दिखा रही हूँ. नाउ दिस इज द मोस्ट यूनिक साड़ी दैट आई हैव एंड आई गॉट दिस फ्रॉम ओया. तो ये जो है आपकी सिल्क साड़ी है, उसके ऊपर आप देख सकते हो गोल्डन से पूरा काम दिया हुआ है और ये कलर जो है बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस मेहंदी कलर के टाइप साड़ीज आपको ज्यादा नहीं मिलती है. अगेन आई वोर दिस विद लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत ही बढ़िया सा कलर भी है इसका. आई लव दिस वन. ये नेक्स्ट साड़ी जो है ये एक ढाकाई जामदानी है जो मुझे मेरी इन लॉज की साइड से मिली है. मेरी सिस्टर इन लॉज जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है. तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द कलर. यू कैन सी इट्स पर्पल कलर, उसके ऊपर व्हाइट और ग्रीन से काम दिया हुआ है एंड बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही बढ़िया लगता है वंस यू वेयर इट. मैंने शायद इसके पिक्चर्स पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर सकते हो. दिस साड़ी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट. चलिए मूव ऑन करते हैं अभी इस रो में. तो इसमें जो है एज यू कैन सी तीन स्टैक्स आपको दिख रहे हैं. This one consists of mostly reds. मेरे red साड़ीज हैं, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. That includes silk, georgette, dhaka, taat, whatever. उसके बाद जो है that's mostly purples and pinks. And उसके बाद end में जो है greens, oranges and yellows रखे हुए हैं. तो इसमें से
मैं आपको कुछ चुन के साड़ीज दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ, दिस इज ए ब्राको बॉर्डर टाइप साड़ी एंड आई बॉट दिस ऑनलाइन, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। इस तरह से दिखने में है ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में एंड यू कैन लॉट ऑफ कलर वेरिएशन इन दिस, मैंने सबका वीडियो भी बनाया है। दिस इज अगेन अ रियली ग्रेट साड़ी, अगर आप कुछ लाइट वेट ढूंढ रहे हो और आपको पार्टी में जाना है, दिस इज अ परफेक्ट पार्टी वेयर साड़ी। दो कलर कॉम्बिनेशन में काफी खूबसूरत लगती है ये। द नेक्स्ट साड़ी वुड बी दिस वन एंड दिस इज ए सिल्क साड़ी, ये भी मैंने शायद ऑनलाइन लिया था। ये मेरी मम्मी ने मुझे मेरा जो गोद भराई का रस्म है उसके लिए गिफ्ट किया था एंड आई वोर्न दिस साड़ी, दिस लुक्स एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही सुंदर एक सिल्क साड़ी है ये एंड इट्स परचेज्ड ऑनलाइन। तो मैं इसका लिंक भी आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बार में आपको दे दूंगी। अनदर ग्रेट साड़ी वुड बी दिस वन, ये रेड कॉम्बिनेशन में है एंड दिस इज अ हैंडलूम साड़ी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, जूट हैंडलूम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये भी। ये भी मुझे शायद गिफ्ट में ही मिला था, मोस्ट ऑफ माई साड़ीज एंड यू सी आर्ट गिफ्ट्स थी, पूजा के टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं साड़ीज के तौर पे। तो दिस इज अनदर वन, अगेन मैंने इसको पहना है बहुत बार इसीलिए यू कैन सी रिंकल्स ऑन इट, दिस इज अगेन अनदर गुड हैंडलूम साड़ी। तो रेड्स का सेक्शन खत्म हो गया है, चलिए अभी पिंक्स और पर्पल में से कुछ साड़ियाँ देखते हैं। तो इसमें से ये पर्पल साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बट ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है, दिस वॉज अनदर गिफ्ट जो मुझे वेडिंग में गिफ्ट में मिला था। तो ये कम्प्लीटली पर्पल है एंड दिस इज योर जूट साड़ी, बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन है इसका, कलर जो है स्पेसिफिकली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है एंड दिस लुक्स रियली गुड, काफ़ी सिंपल साड़ी है, पहन सकते हो। नेक्स्ट ये जो पर्पल साड़ी है मेरे पास, दिस आई गॉट ऑनलाइन, दिस इज एन आर्ट सिल्क साड़ी और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था अंडर 500 रुपीज, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दूंगी। ये भी मैंने बहुत बार पहना है, आप देख सकते हैं यूट्यूब हो गए हैं पूरे एंड इट्स अ रियली गुड रियली कंफर्टेबल साड़ी, इजी टू वेयर है एंड लुक्स रियली ग्रेट। आप उसको ज्वेलरी के साथ पहनोगे, जंक ज्वेलरी के साथ पहनोगे, हेवी स्टेटमेंट नेकलेसेस के साथ तो काफ़ी अच्छी लगेगी। दिस इज अनदर जूट खींचा साड़ी और ये आपका इस तरह से बीज और पिंक के कॉम्बिनेशन में है, पूरा हैंडवर्क इसमें दिया हुआ है, ये इसका पल्लू का साइड आ जाएगा, इट्स रियली एलिगेंट, अंदर जो है इस तरह से डिजाइन आता है, लुक्स गुड, दिस अगेन गोज वेल विद सिल्वर जंक ज्वेलरी। इस पिंक सेक्शन में जो लास्ट साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दैट वुड बी अनदर आर्ट सिल्क स्लैश कॉटन ब्लेंड मिक्स्ड साड़ी, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था अंडर 500 रुपीज, आप देख सकते हो इसमें पीकॉक बना हुआ है, प्रिंटेड साड़ी है, हैंडवर्क नहीं है बट इसमें एक इरेडिसेंट लुक है। इसको भी मैंने अपने काफी सारे यूट्यूब के वीडियोज में पहना है, सुपर कम्फर्टेबल टू वेयर, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड यू कैन वेयर अ टन ऑफ ज्वेलरी विद दिस। येलो में मैं जो आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ, दैट वुड बी अ हैंडलूम साड़ी एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड साड़ी, क्योंकि ये साड़ी मेरी वीडियो में देखने के बाद आप सब लोगों ने मुझे कहा था कि साड़ी का लिंक दीजिए, जिस वजह से मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा शोइंग येलो साड़ी जो हैंडलूम साड़ी है सिमिलर टू दिस काइंड। ये मुझे अगेन मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था एंड दिस इज सुपर कम्फर्टेबल, सुपर सॉफ्ट, मैंने इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पहना है, आप देख सकते हो रिंकल्स इसमें कितने ज्यादा पड़ गए हैं, तो इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना पड़ेगा। ऑरेंज में जो मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ, दैट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक, ये काफी सिंपल है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, दिस इज एन आर्ट सिल्क स्लैश कॉटन ब्लेंड की साड़ी एंड आई गॉट दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट अंडर 500 bucks। ग्रीन में जो है ये मुझे लास्ट ईयर अगेन मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था पूजा के टाइम पे, तो दिस इज ए रियली गुड वन, मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ये मैंने दुर्गा पूजा में पहना भी था, इसका शायद पिक्चर भी अपलोड किया था, ये मैंने दशमी के दिन पहना था जब हम लोग सिंदूर खेलते हैं। लास्ट में ये सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन मोस्टली उन साड़ीज का है जो मैंने अभी तक पहना नहीं है, जस्ट खरीदा हुआ है, मैंने एक बार भी इनको वेयर नहीं किया है या फिर किसी वीडियो के लिए मैंने वेयर किया है, यहाँ पे तो पूरे ब्रांड न्यू साड़ी से जो मुझे गिफ्ट्स में मिले थे और मैंने अभी तक इनको टच भी नहीं किया। और एंड पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें एक्चुअली कोई साड़ी नहीं है, टॉप में मेरे ब्लाउजेस, शेपवेयर,
ब्लाउज ब्राज है जो मैंने जिवामे से लिए हैं, जिवामे से ग्लोविया से। उसके नीचे जो है मेरे सारे पेटीकोट्स रखे हुए हैं, मैचिंग पेटीकोट्स। तो ये एक तांत की साड़ी है मेरे पास, ऑरेंज के ऊपर ब्लू से पूरा काम दिया हुआ है। ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, इट्स अ ब्रांड न्यू साड़ी। ये भी मुझे अपनी वेडिंग पे गिफ्ट में मिला था। नेक्स्ट मेरे पास कुछ साड़ीज है, दिस आई वोर फॉर माई वीडियो, दीज आर ऑल बाई ओया, और ये काफी अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ीज है। ये डुअल टोन वाली सिल्क साड़ी भी मैंने ओया से ली थी काफी महीनों पहले, लुक्स ब्रांड न्यू, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये, और इसका वर्क भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट मेरे पास ये हैंडलूम की एक साड़ी है, ये भी मुझे लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम पे गिफ्ट में मिली थी। दिस इज फ्रॉम रेने, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अगेन ब्लैक है, माय ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, और इसका वर्क भी जो है काफी बढ़िया सा है। यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांड न्यू सिल्क साड़ीज है, दिस इज मच बेटर क्वालिटी दिस वन, बट दोनों ही प्योर सिल्क की साड़ियाँ है, एक रेड में है और एक पिंक। Like super soft, and this is from Silk Mark India. So Silk House से लिया गया था ये। ये भी मुझे gift में मिली थी last to last year के दुर्गा पूजा के time पे। But मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है। Just waiting for the right occasion. ये एक pure white ढाका ही साड़ी है। I don't know camera पे इतने अच्छे से नहीं आ रही है because this is white on white. White के ऊपर पूरा white से काम किया हुआ है। एंड ये साड़ी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था। दिस विल लुक एक्सेप्शनली गुड विद गोल्ड ज्वेलरी लाइक चंकी गोल्ड स्टेटमेंट नेकलेसेस, पालास एंड इयररिंग्स। अगेन आई एम वेटिंग टू वेयर दिस आउट। मेरे पास यहाँ पे दो और तांत की साड़ियाँ हैं, एंड दिस इज इन येलो। लास्ट साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज अगेन फ्रॉम दी सिल्क हाउस, एंड ये प्योर सिल्क की साड़ी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मस्टर्ड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में इस तरह से बाटिक प्रिंट में दिया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द साड़ीज अगेन जो आई कैन नॉट वेट टू वेयर बिकॉज दिस इज सो लाइट वेट एंड इट विल बी सुपर गुड टू वेयर स्पेसिफिकली अगर मैं बंगाल में जा रही हूँ तो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फॉर द हॉट समर्स और द हॉट वेदर एक्सट्रीमली गुड साड़ी, प्योर सिल्क की है एंड सुपर सॉफ्ट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल को फॉलो कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।